आईपीएल 2024 का हर एक मुकाबला रोमांच से भरा रहता है, लेकिन गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस का मुकाबला भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला, जहां मुंबई और गुजरात का मुकाबला भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मुकाबले में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की, जहां रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने बारी की शुरुआत की। रिद्धिमान साहा ने 15 गेंदों में 19 जबकि शुभमन गिल ने 22 गेंदों में 31 रन, लेकिन उसके बाद साई सुदर्शन ने 39 गेंदों में 45 रनों की बारी खेली, जिसके चलते टीम गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर के समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बना लिए, जहां लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुंबई इंडियंस टीम से ईशान किशन और रोहित शर्मा ने बारी की शुरुआत की थी, लेकिन ईशान किशन शून्य, रोहित शर्मा ने 29 गेंदों में 43 और उसके बाद कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। डेवल्ड ब्रेविस ने 46 रनों की बारी खेली, तिलिक वर्मा ने 25, लेकिन उन्होंने गेंदे भी बहुत ज्यादा खेली, 20 ओवर में 162 रन पर 9 विकेट गवाई मुंबई इंडियंस ने, और इस मुकाबले को 6 रन के साथ मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले को गवा गई, जहां मुंबई की टीम इस मुकाबले में हार गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर फेसबुक पे है तो पेज को फॉलो करना ना भूले।